हेलो हेलो बच्चा लोग क्या हाल चाल गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून क्या हाल चाल? तुम लोग बहुत चैट कर रहे होते हो आ? चलो 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 होलो हेलो हेलो बच्चा लोग क्या हाल चाल कैसे हैं आप लोग मेरी आवाज आ रही है गुड इवनिंग बचवा लोग एंड बचवी लोग क्या हाल चाल फिर से वही टी शर्ट टी शर्ट जो है वो खराब हो गया है बहुत सारा तो सोचा कि जो साफ सुथरा टी शर्ट है वही पहन लेते हैं तो यही मिल गया है कि नहीं तो चलिए शुरू करते हैं वाह क्या बात है गौरव जी क्या बोला अमित पाल जी ने मैसेज किया है जरूर देख लेंगे बेटा आपने मैसेज किया हम कैसे नहीं देख सकते हमें कब मिलेगा यार ये देवर्थ हलदर ने एकदम सही बोला हमें कब मिलेगा टी शर्ट यार तुम्हें तो मिलना चाहिए बिल्कुल मैं इस बात के पक्ष में हूं कि बच्चों को तो मिलना चाहिए टी शर्ट यस पवार जी क्या हाल चाल डबल ए आर्मी चलो सिर आ गया अरे नहीं सिर तो आप लोग है अपन तो बस थोड़ा सा फिजिक्स है कि नहीं थोड़ा सा आप लोगों को ज्ञान की धारा में बहाने की कोशिश करते हैं इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं बस इतना सही है ठीक है चलिए शुरू किया जाए अपन लोग लेक्चर शुरू करें सब लोग पेन कॉपी लेके तैयार कीजिए लव यू बच्चा लोग चलिए शुरू करते हैं बच्चा लोग हेलो बच्चा लोग मैं आदित्य आनंद आप लोगों का वेलकम करता हूं मेरा प्यारा सा सिलेक्शन वाला बैच क्लास 12 प्रोटॉन नीट बैच में जिसमें कि आज अपन करेंगे लेक्चर नंबर 10 और आज अपन क्या करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में भाई लोग पावर पढ़ेंगे बल पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे क्या बच्चा लोग तुम लोग तैयार हो इन सब चीजों को पढ़ने के लिए एक और चीज पढ़ाऊंगा पावर और बल्ब के बीच में क्या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या पढ़ाऊंगा जल्दी बताओ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बीच में कहीं भी आ जाएगा ठीक है पता नहीं हेडिंग है या नहीं है लेकिन लिख दूंगा मैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ट्रांसफर थ्योरम ये भी एक चीज पढ़ेंगे नीट में है ये आ, बोर्ड में नहीं है ठीक है बोर्ड में नहीं है अपडेट आ गया ना अरे वाह खुश हो गए ना तुम लोग क्या बात है वेरी गुड चलो 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 क्या बोल रहे हो सर आपने बोला था वोल्ट मीटर अमीटर पढ़ाएंगे यस वो भी पढ़ाएंगे चलिए जल्दी चलो तो बल से पहले वही पढ़ा दूं क्या चलो वही पढ़ा देता हूं चलो खुश हो जा तुम लोग तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटा वोल्ट मीटर अमीटर यस एक एक चीज पूरा गर्दा उड़ाएंगे गर्दा समझ रहे हो ना उसके बाद कुछ छोड़ने वाले हैं अपन ठीक है स्कूल नहीं मैनेज हो रहा है क्या करें थोड़ा सा दो तीन दिन स्कूल जाइए आप लोगों को पूरा पढ़ा रहा हूं मैं जो कि बोर्ड में भी कवर हो जाएगा और बाकी जगह भी तो ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यस होमवर्क डिस्कस करेंगे चैट बंद कर देते हैं और होमवर्क को डिस्कशन होता है आज होगा फिजिक्स का ऑपरेशन बिल्कुल अंकित जी एकदम मजेदार तरीके से तो चैट को प्राइवेट कर देता हूं मैं ओके सर ये रहा चलो सब लोग प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा पावर के बारे में रिविजन मैं। तो तो है मेरे है, है प्यारे बच्चों और यहां पे रेसिस्टेंस है ये सेल है तो इस बैटरी से क्या होगा कोई चार्ज यहां से यहां तक जाएगा और वो चार्ज से ही पावर का हमने डेरिवेशन किया था तो P बराबर पहला फॉर्मूला था वी आई v बराबर 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 तो तो p I, S2, R, बहुत बढ़िया फिर एक और बताया था ये हो जाएगा बार ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है काफी काम का है काफी बेहतरीन रिजल्ट है बोलो बच्चों क्या यहाँ पे सब लोग हो तैयार हो ठीक है यस कोलकाता आएंगे स्टार्ट लर्निंग बिल्कुल चलिए हाँ यार बारिश तो बहुत हो रही है सही बोल रहे हो चलिए अब सब लोग चैट को बंद रखिएगा प्लीज बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और एकदम तगड़ा मजा आएगा ठीक है ना ठीक है बच्चों चलिए सब लोग तो इधर चैट को बंद कर दीजिए और इधर देखिए जल्दी से तो यहाँ पे ये जो चीज है इस सर्किट में जो करंट गया इस करंट के चलते इसमें पावर जो डेवलप हुआ वो क्या है वी आई के बराबर है है का वैल्यू पे लिख दिया तो टेंशन मत लेना ये वी और दोनों एक ही चीज है. ठीक है सर ये आपने बताया था अब मैंने तुम्हें एक और चीज बताया था क्वेश्चन सोल्व करना अब मैं तुम्हें दो तीन चीज बताता हूं अगर कभी करंट पता हो मान लो करंट और रेसिस्टेंस पता हो तो पावर के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे सीधा कौन सा आई ए स्क्वा फॉर्मूला यूज करेंगे सपोज करो तुम्हें पोटेंशियल पता होता है किसी भी चीज का जैसे यह बल्ब के बीच का पोटेंशियल पता होता है पोटेंशियल भी ठीक है और इसका रेसिस्टेंस पता होता है सपोज करो तो तुम कौन सा फॉर्मूला लगाओगे तब पावर के लिए वी ए स्क्वायर बा आर का फॉर्मूला लगाओगे कौन सा फॉर्मूला कब लगाओगे इस चीज को समझने की कोशिश करो जल्दी से पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर बा आर कब लगाओगे पावर का फॉर्मूला वी एसक्वायर बा आर कब लगाओगे जब जब तुम्हें इसका जो रेसिस्टेंस पता हो वो और ये ये क्या जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पता हो तो वी लगा अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है वो देखना जरा सा ध्यान से एक और चीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जरा वो देखना ध्यान से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जल्दी से देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जल्दी से देखना तो पावर का फॉर्मूला आई स्क्र आर है पावर का फॉर्मूला बी स्क्वायर बार है ये दोनों चीज समझ में आ गया कब यूज करोगे अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ बल्ब का कोई भी क्वेश्चन देखना ध्यान से बल्ब का कोई भी क्वेश्चन आए कोई भी बल्ब पढ़ने के लिए बल्ब का सीरीज कॉम्बिनेशन बल्ब का कॉम्बिनेशन एंड ऑल तो इसमें कैसे करेंगे क्वेश्चंस को वो मैं समझाता ठीक है लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन जो होमवर्क दिया था वो कर लेते हैं तो ये सब बेसिक चीजें मैंने कवर की चलो जल्दी से ये क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन होमवर्क था इससे छोटा क्वेश्चन पहले सोल्व करो क्या ये क्वेश्चन कल मैंने कराया था नहीं एक दो छोटा क्वेश्चन करवाता हूँ तुम्हें मजा दिला के और फिर बड़ा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो चलो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन बताओ द टोटल पावर डिसिपेटेड इन वॉट्स जल्दी से बताओ तो टोटल पावर डिसिपेशन का मतलब होता है इसमें भी पावर डिसिपेशन इसमें भी इसमें भी तो ऐसे केस में कैसे टैकल करेंगे इन दोनों का पैरेलल आर इक्विवेलेंट निकाल लो ऐसे केस में इन दोनों का पैरेलल यूज करोगे तो क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट फर्स्ट वाला का 6 3 6 3 9 तो 3 3 जा 9 3 2 जा 6 तो हो गया 2 ओम

ये क्या है वॉट ये जूल सेकेंड को ही बोलते हैं वॉट तो ये फिफ्टी फोर जूल सेकंड भी बोला जाता है जूल सेकेंड का ही नाम वॉट है ध्यान रखना बेटा पावर वॉट में मेजर होता है ये जूल सेकंड में कितने लोगों को ये मेथड समझ में आ गया कि ये दोनों का पैरल निकाल दिया सर आपने इसके साथ सीरीज में और ये भी और वैसे भी तुम सॉल्व कर सकते थे लेकिन ये सबसे फास्टर मेथड है ठीक है ठीक है तो क्या क्या वो जल्दी से देखो ये सिक्स और थ्री किसमें है पैरल में तो मैंने क्या क्या इनका पैरल निकाला तो सिक्स और थ्री का पैरल देखो कितना है सिक्स इंटू थ्री बाय नाइन

है ना करंट कितना होगा वो देख लो और आई स्क्वायर आर निकालो तो भी आंसर आएगा लेकिन मैंने तुम्हें क्या बोला था अभी तुरंत कि यार जब ये चीज पता हो कि पोटेंशियल पता पता है पता है तो स्क्वायर स्क्वायर लगाओ क्यों निकालोगे ठीक है तो डायमेंशन ऑफ पावर क्या है पावर का डेफिनेशन क्या है डायमेंशन भी देख लो पावर का डेफिनेशन क्या है वर्क डन पर यूनिट टाइम है तो वर्क डन को किस में करते हैं जूल में इसको सेकंड में तो पावर का ये क्या हो जाएगा जूल सेकंड जूल क्या होता है वर्क डन तो वर्क डन क्या हो जाएगा एफ इन टू एस तो एफ इन टू एस क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ ये क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू ये हो गया एफ एस करने से एल स्क्वायर और ये नीचे वाला टू एक और तो ये हो जाएगा माइनस थ्री ये हो जाएगा पावर का डायमेंशन ये लो क्या दिक्कत है ये लो डायमेंशन बेटा खुशी है ना पावर का डायमेंशन ले लो है ना हो गया कोई दिक्कत किसी को तो ये हो जाएगा क्योंकि वर्क डन क्या होता है एफ इन एस तो एस के लिए एक एल दे दिया एम एल टी माइनस टू तो होता था एफ इन एस और नीचे वाला टी जो है ये ऊपर जाएगा तो एक और माइनस टी दे देगा जूल सेकेंड जूल सेकंड की दुनिया क्या बोलती है वॉट बोलती है क्या बोलती है दुनिया वॉट इसी का दूसरा नाम क्या है वॉट ये यूनिट है देख लो ध्यान से हो गया यूनिट भी समझ लिया ये भी समझ लिया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ो ये वाला क्वेश्चन का आंसर करो। बोला, पावर है पावर डिसिपेटेड इन वॉट यूनिट्स अक्रॉस थ्री ओम अच्छा तो बहुत बढ़िया इसके अक्रॉस का पावर दे रखा है पावर क्या बताया था इसके अक्रॉस का आई स्क्वायर स्क्वा स्क्वायर हो जाएगा और आई टू का वैल्यू निकल जाएगा क्योंकि क्वेश्चन वालों ने पावर दे रखा है देखो मजा तो R. R तो आ गया तो ये आई टू का स्क्वायर हो जाएगा तो यह आई टू का क्या हो जाएगा रूट अंडर वन बाय फोर तो हो जाएगा वन बाई टू एम्पियर देखो ये आई टू हो गया वन बाय टू एम्पियर देखो मजा आया I2 हो गया 1 by 2 ampere. मजा आया और वन बाई टू एम्पियर हो गया करंट तो अब क्या है जल्दी देखो अब क्या है जल्दी देखो अब ये इसके अक्रॉस पूछा है अब यहाँ पे ये यह हो जाएगा चार और ये हो जाएगा आठ तो इसमें करंट कितना जाएगा और वैसे भी देख सकते हो इसी के क्रॉस पूछा तो बिना करंट का तुम नहीं निकाल पाओगे क्योंकि पावर डिसिपेटेड अक्रॉस थ्री ओम है तो थ्री होम कुछ दिक्कत हो रहा है किसी को किसी को कोई दिक्कत हो रहा है जल्दी से बताओ प्लीज रिपीट ओके डॉक्टर इमोर्टल क्या हाल चाल नाम तो तूने खतरनाक ही रख रखा है डॉक्टर और वो भी इमोटल चलो इधर आ जाओ इधर देखो इधर देखो जल्दी से इधर देखो जल्दी से इधर देखो यहां तक तो यहां पे जब करंट पता चल चुका है 1 by 2 हो है यहां पे पॉइंट फाइव का करंट है पॉइंट फाइव एम्पियर का करंट है तो इसका करंट पता है तो इसका निकालना बहुत ही आसान है क्योंकि इसका करंट इस पे डिपेंड करेगा तो क्या करोगे जल्दी से देखो और वैसे भी देख लो ये पॉइंट फाइव इंटू एट को करो तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकला है? इसके क्रॉस देखो तो फिर बराबर आई आर तो ये हो जाएगा दस ये हो चार वोल्ट तो चार वोल्ट का ये यह चार तो ये एक एम्पियर का करंट होगा खत्म कहानी तो पावर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर तो आई कितना है एक तो एक इंटू एक इंटू तीन तो आंसर कितना होगा थ्री बॉट सी इज द आंसर नहीं आया होगा समझ में मुझे लग रहा है दोबारा बताऊंगा अभी दोबारा बताऊंगा फिर से बता दीजिए यस बेटा दोबारा बताऊंगा मुझे पता था ये थोड़ा सा जल्दी ले लिया मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा बता देता हूँ ये लोग टेंशन मतलब दोबारा बता देता हूं दोबारा बताऊंगा दोबारा दोबारा रुको चलो एक बार देख लेते यार कुछ बच्चों को दिक्कत हो जा रही है दोबारा बताऊंगा मैं चलो पढ़ो क्वेश्चन को क्या बोल रहा है बेटा बोल रहा है पावर डिसिपेटेड अक्रॉस एट ओम रेसिस्टर इन द सर्किट सोन है इज टू वॉट इसके अक्रॉस जो पावर डिसिपेटेड है वो कितना है टू वॉट पावर होता क्या है बताओ मुझे पावर होता क्या है पावर था आई स्क्वायर आर तो ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू ठीक है अब पावर डिसिपेटेड कितना है देखो पावर डिसिपेटेड इसके अक्रॉस कितना है टू वॉट ओके, okay. आई कितना है आई टू स्क्वायर कितना है आइट तो, तो, तो ये आई टू का जो होल स्क्वायर है करंट इसका फोर तो यह कितना वन बाई टू एम्पियर वन बाय टू एम्पियर मतलब जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट फाइव कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव इसके थ्रू जो करंट जाएगा वो कितना होगा आई टू का वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव एमपियर देखो मजा आ गया होगा तुम लोगों को अब देखो ध्यान से मेरा बात ध्यान से देखो मेरा बात इसका कितना है चार इसके क्रॉस का पोटेंशियल कितना है ये एक और दो का तो पोटेंशियल डिफरेंस वी कितना है वी कितना है आई स्क्वायर आर तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आई आर तो ये क्या हो जाएगा आई टू इंटू आर आई टू कितना है जीरो पॉइंट कितना है एट ये क्यों निकाल रहे हो सर ये तुम पूछ सकते हो बेटा ये क्यों निकाल रहा हूं ये निकाल रहा हूं इसलिए क्योंकि इसके अक्रॉस का जब पोटेंशियल पता चल जाता है फोर वोल्ट तो ये और ये पैरेलल में है देख रहे हो ना ये और ये पैरेलल में है इसके क्रॉस का भी पोटेंशियल इतना ही होगा जितना ये तो रेसिस्टेंस कितना है चार पोटेंशियल कितना है एक दो के बीच में चार तो करंट कितना होगा आई ये हो जाएगा पोटेंशियल एक दो बाय रेसिस्टेंस

अरे वाह थैंक यू आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो ऐसा बस दिल में इच्छा होता है कि कुछ बच्चों के लिए इतना बढ़िया से तरीके से करें क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं यार बच्चा का गलती थोड़ी है मास्टर बच्चा को नहीं पढ़ा पाया मास्टर का गलती है चलो जल्दी से एक और बढ़िया क्वेश्चन करो ये क्वेश्चन करो तो अब ये मैं करूंगा होमवर्क दिया था यह मैं करूंगा ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है नीट पी नीट दो का क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा ठीक है चलो अब अगला देखते हैं बोल रहा है द चार्ज फ्लोइंग थ्रू रहे बहुत बढ़िया इसके क्रॉस जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो कांस्टेंट नहीं है यह कैसा चार्ज है वेरिएबल है देखो वेरिएबल है।, है ना वेरिएबल यार हाँ सर ये वेरिएबल है देख लो वेरिएबल है ना ठीक है है है, ना? अब पे पे देखो, यहां पे देखो, ये जो वेरिएबल चार्ज तो इसके थ्रू करंट क्या होगा करंट होगा डीक्यू बाई डी टी हाँ सर तो डीक्यू बाई डीटी क्या होगा a बाहर और वन माइनस बीटी स्क्वायर का टू बी टी बाहर ये देखो कितना मजा आया तुम्हें ये देखो कितना मजा आया तुम्हें देखो I is equal to क्या होगा dQ क्यू बाई डी क्या होता है a बाहर dt टी बाई और ये बी बाहर टी स्क् ए माइनस टू बीटी ये क्या हो जाएगा ए माइनस टू बीटी ये करेंट है यह क्या है करेंट है? अब टोटल हीट प्रोड्यूस इन आर यही क्वेश्चन है इसमें कि हीट प्रोड्यूस कब तक होगा इस रेसिस्टेंस में अगर इसमें करंट आई जा रहा है जो आई वेरिएबल है तो कब तक हीट होगा प्रोड्यूस इसमें तो हीट प्रोड्यूस होता क्या है क्योंकि करंट वेरिएबल है इसमें छोटा सा हीट प्रोड्यूस निकालना पड़ेगा यह हो जाएगा आई स्क्वायर आर डी टी इसमें एक छोटा सा हीट प्रोड्यूस निकालना पड़ेगा यह हो जाएगा आई स्क्वायर आर डी टी क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर डी टी क्या हो जाएगा यस yes, गौरव गौरव बोल रहा है जब तक हीट प्रोड्यूस जब तक होगा जब तक करंट ना आ जाए बोलो क्या बोल रहे हो गौरव क्या बोल रहे हो जब तक प्रोड्यूस जब तक, होगा, जब तक की क्या हो जाए जल्दी से बताओ क्या हो जाए जल्दी बताओ हीट प्रोड्यूस कब तक होगा जब तक करंट ना खत्म हो जाए और करंट खत्म कब होगा ये बता दो मुझे करंट कब खत्म होगा जब करंट जीरो ना हो जाए तो करंट जीरो जब होगा उस टाइम पे जो टाइम होगा तब तक हीट प्रोड्यूस होगा इसीलिए इसने वर्ड यूज किया टोटल हीट प्रोड्यूस आया समझ में तो जल्दी से बोलो बेटा आया समझ में तो जल्दी से बोलो बेटा एकदम आग लगा के दिलबर साके फटाफट से फॉलो बन जाओ बेटा जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से यस तो करंट जब तक जाएगा तब तक तो करंट जीरो हो गया तो ये जगह a 2bt तो ये इधर आ गया तो क्या लिखोगे 2bt a या 4t a 2b t is equal to a by 2b t is equal to a by 2b t is equal to a by 2b देख रहे हो t is equal to a by 2b t is equal to a by 2b, a by 2b देख रहे हो जा पूरा है ना पक्का एकदम समझ आ गया तो अब कैसे सॉल्व करेंगे टोटल हीट प्रोड्यूस तो ये हीट प्रोड्यूस है टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं इंटीग्रेट, इंटीग्रेट इंटीग्रेट यहां पे क्या वेरिएबल है टाइम जिसके पीछे टी वही वेरिएबल तो टाइम जब शुरुआत किया था तुमने तब कोई भी हीट प्रोड्यूस नहीं था और टाइम जब ये वाला हुआ ये क्योंकि इसी टाइम पे करंट जीरो होगा इस टाइम तक जीरो से लेके इस टाइम तक हीट प्रोड्यूस होगा तो टाइम क्या लिखोगे ए बाई टू भी यहाँ पे क्यों आया है और ये टोटल हीट एच तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया अगर इसमें जरा सा भी कोई दिक्कत है तो पूछो ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे बहुत मिस्टेक किए थे इस क्वेश्चन में मस्त वाला मजा आया तो जल्दी से वाइट टैप कर दो फटाफट से सर एकदम सेट हो गया दिमाग कि अ चार्ज फ्लोइंग थ्रू यह वेरी ताजबीन बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया घनश्याम जी अब यहां पे देखो बेटा तो ये फंक्शन बनाना आई स्क्वायर आर टी टी करना और आई का वैल्यू यहां से उठाना ये आई का वैल्यू है कि आप कितना a minus 2b t तो यहाँ पे देखो आप अब ये क्वेश्चन d h का इंटीग्रेशन हो गया h लिमिट पुट करोगे h minus zero तो ये हो जाएगा h i का वैल्यू कितना होगा वो देखो जल्दी से ये हो जाएगा a minus 2b t तो हो जाएगा a minus 2b t का हॉल्स्क्वायर into r into dt और इंटीग्रेशन zero से लेके a by 2b तक देख रहे हो ना अब देखो ये ए माइनस टू बी टी का दो ए माइनस टू बी टी का तो और ये R, तो इसको पहले ब्रेक कर दो टेंशन लो आर को बाहर कर देता हूं मैं इंटीग्रेशन जीरो से ए बाई टू बी यही निकलाना यार जल्दी से देख लो ए बाई टू बी वो रहा यस सर अब ये ए माइनस टू बी टी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी बी क्या है टू बी टी इसका ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बी क्या है टू बी टी का होल स्क्वायर और इसके आगे क्या लिखा हुआ है डी टी क्योंकि r को मैंने क्या किया बाहर कर दिया देखते जा रहा हूं ना कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तुम लोगों को अब इसका इंटीग्रेट करो ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है देख लो 2016 हजार वाई क्यू है देख रहे हो सामने पड़ा हुआ है तो इसको सॉल्व करते हैं या आर तो बाहर हो गया या ए

4b स्क्वायर और क्या है क्या ये r तो सबके बाहर में है और यहाँ पे क्या लिखोगे ये हो जाएगा t स्क्वायर dt अरे बोलो बिटवा क्या बात समझ में आई t स्क्वायर dt ही बोलो बिटवा क्या बात समझ में आई तो ये जीरो से a/2b तक जाएगा अब इसको करो सॉल्व जल्दी से करो जल्दी से करो जल्दी से करो तो ये r बाहर हो गया मेरे प्यारे बच्चों ये dt का इंटीग्रेशन t लिमिट पुट किया तो होएगा a/2 तो ये a स्क्वायर a/2b

तो ये टू का पावर टू तो प्लस वन बाय टू प्लस वन तो ये क्या हो जाएगा टी क्यूब बाई थ्री ये किसके हो जीरो से लेके ए क्यूब बाई टू बी तो तो एक क्यूब बाई टू बी, तो बी माइनस ये देखो ए बाई टू बी का होल स्क्वायर तो ये टू से ये कैंसिल हो जाएगा टू टू या फोर तो जगह टू ए बी ये हो जाएगा माइनस टू ए बी ए बाय टू बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा ए स्क्वायर बाय फोर बी स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर और यह हो जाएगा नीचे थ्री और यह क्या होगा वो हो, देखो यह टी क्यूब तो ए बाय टू बी का होल क्यूब तो हो जाएगा ए क्यूब बाय टू बी का होल क्यूब तो टू तो जा फोर टूजा एट एट बी क्यूब और इन सब के आगे क्या लिखोगे ये वाला रेसिस्टेंस देखो मजा आ रहा है चलो जल्दी चल से देखो आप तो अब देखो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म ये फोर से फोर टू जा एट खत्म यहां पे देखो ये बी से बी खत्म और कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं तो ये हो जाएगा आर ये क्या होगा वो देखो ये देखोगा क्यूब बाई टू बी ये क्या हो जाएगा टू वन जा टू 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 जा फोर तो जगह जाएगा एक क्यूब बाई टू बी और कुछ तो नहीं बचा हुआ है नहीं यहां पर देखो प्लस ये हो जाएगा एक क्यूब बाय एक क्यूब बाय थ्री टू जा सिक्स और ये बी स्क्वायर खत्म हुआ एक बी बचा हुआ बी स्क्वायर खत्म हुआ एक बी बचा हुआ तो एक क्यूब बाय सिक्स बी कितनों को समझ में आया जल्दी से बता दो मुझे तो ये दोनों तो निपट ही गया सर ये हो गया खुपाच और खुपाच सेम चीज तो हो गया आर एक क्यूब तो हो जाएगा एक क्यूब आर बाय सिक्स बी ये ये क्वेश्चन भी आया हुआ है देखो एक क्यूब आर बाय सिक्स बी कितना है क्यूब आर बाय सिक्स भी कहीं पे है ये रहा ए इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन कितनों को पूरा बात समझ में आ गया ये पूरा का पूरा एक एक चीज समझ में आ गया जल्दी से बोलो कि सर इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट को मिक्स किया गया था और इस बार भी पिछले बार भी देखोगे तो चीजें आसान थी लेकिन पांच क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें दो कॉन्सेप्ट को मिक्स किया गया था पांच क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें दो कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट को मिक्स किया गया था तो कॉन्सेप्ट को मिक्स किया जाए अगर तो दिमाग को खोल के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है जिसे यहां पे हमने दिमाग को खोला करंट बोल रहा है टोटल हीट प्रोड्यूस इस लाइन में ही फिजिक्स था व्हाट डू यू मीन बाय टोटल हीट टोटल हीट तो जिंदगी भर प्रोड्यूस होता रहेगा यानी कि जब तक इसमें करंट फ्लो होगा तब तक जब तक इसमें करंट फ्लो होगा तब तक तो करंट फ्लो कब तक होगा जब इसको करंट को जीरो करके देखो तो करंट को जीरो करके देखे तो ए बराबर टू बी टी तो ये टी का वैल्यू हो गया ए बाय टू बी यानी कि टाइम का वैल्यू जब ए बाई टू बी है टाइम का वैल्यू जब ए बाय टू बी है तब तक हीट प्रोड्यूस होगा है ना पक्का तो इतने टाइम तक हीट प्रोड्यूस होगा अब क्योंकि ये वेरिएबल है तो वेरिएबल चीज में इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, लेते हैं तो छोटा सा निकालेंगे तो छोटा सा हीट क्या होगा डीएच ये क्या होगा आई स्क्वायर आर डीटी

बिल्कुल ये टफ नहीं है एकदम मत सोचो कि टफ है ये दो कॉन्सेप्ट पे मिक्स क्वेश्चन है बस दो कौन है <laughs> कीर्ति बेटा इमोजी नहीं आ रहा है इमोजी चाहिए तुम लोगों को इमोजी नहीं आ कब आ इमोजी ही नहीं आ रहा है सर ठीक है अब आ रहा है मलिक पूरा अच्छे से कोई दिक्कत बेटा है ना हाँ यस थोड़ा सा इंटीग्रेशन है बेटा लेकिन कितना आसान है देखो कितने सारे है ना बहुत बढ़िया थैंक यू बेटा थैंक यू चलो हाँ इजी था बस थोड़ा लॉन्ग था ठीक है ना चलिए ग्रेट आ जाइए इधर आ जाओ अब क्या है अगला क्वेश्चन एक चीज ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं तुम्हें एक चीज पढ़ाना चाहता हूँ अच्छा बल्ब आ गया क्या बल्ब आ गया क्या बल्ब आ गया क्या बल्ब आ गया तो बल्ब से पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करवाऊंगा बल्ब से पहले अच्छा बल्ब का हेडिंग नीचे है वाह 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 तो चलो ये पढ़ेंगे पर पहले ये पढ़ेंगे फिर बल्ब का दो क्वेश्चन करवाऊंगा ये लो बल्ब बल्ब के ऊपर बल्ब का क्वेश्चन बल्ब के ऊपर बल्ब का क्वेश्चन बहुत बढ़िया ये भी बल्ब का क्वेश्चन है पीवाई क्यू दिख रहा है मुझे रखना चाहिए मुझे और कौन सा बल्ब का क्वेश्चन है ये वाला अरे वाई ये तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार केटल वाला ये भी बताऊंगा अभी मजेदार तरीके से ये लो सारे पीवा क्यू चलो बहुत बढ़िया चलो आ जाओ बल्ब बल्ब लेकिन बल्ब से पहले एक चीज पढ़ाऊंगा मैंने बोला था बल्ब से पहले पढ़ाऊंगा कौन सा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कर लोगे ना अब सब तुम लोग यस सर तो चलो अब अब एक चीज पढ़ा रहा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम <गए> चलो <गए> देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हर हर तरह बल्ब ये मड़ा मस्त था चलो चलो ये इसका इसका कॉन्सेप्ट सीखो पहले क्या सपोज करो मेरे पास एक रेसिस्टेंस है लेट दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कुछ भी रेसिस्टेंस आ रहा है और मेरे पास एक बैटरी है ये एक बैटरी है जिसका कि एक ईएमएफ जो है वो ई e है और इंटरनल रेसिस्टेंस आ रहा है तो ऐसे दिखा रहता है तो कभी भी ऐसे दिखा रहे ना तुम हमेशा इसको अलग बना लिया करो मैं हमेशा बोलता हूं कि इस सर्किट में हमेशा एक अलग बना लिया करो तो यह है क्वेश्चन देखो ये दोनों इक्वलेंट सर्किट है यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है बेटा आर यहाँ पे एक बैटरी है और ये बैटरी का ये एक इंटरनल रेसिस्टेंस है ये नोट ऐसे ही करते हैं इसको बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस ओके अब हमें मनाना क्या है सर हमें बताना है कि ये जो ये जो है तुम्हारे पास रेसिस्टेंस ध्यान से देखना इससे कितना मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगा इससे ये क्वेश्चन है सब लोग एकदम से यस यस मलिक बहुत अच्छा बढ़िया बोल रहे हो बेटा बढ़िया बोल रहे हो इससे मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगा ये सीखना है बेटा तो चलो जल्दी से देखते हैं तो इससे मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होना है वो देखो तो यहां पे एक सर्किट है इसमें करंट डाल दिया मैंने तो इसमें वेरिएबल क्या है यही चीज वेरिएबल है ये तो बैटरी का है ये वेरिएबल है एक्चुअल में ये आर फिक्स नहीं है ये मैं चेंज कर करके करके कर करके कर -कर कर -कर कर -कर कर बार बार देखना चाहता हूं कि इस आर और इस आर में क्या रिलेशन है कि मैक्सिमम पावर इससे ट्रांसफर होता चला जाए इस आर और इस आर में क्या रिलेशन है कि मैक्सिमम पावर इससे ट्रांसफर होता चला जाए बात समझ में आ रही है चीज तुम्हारे लिए है मुझे बताना है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगा एक नया क्वेश्चन याद आ गया इसलिए लिख लिया छोड़ो इसको पक्का समझ में आ रहा है सबको हिंदी तो बोल रहा हूं कहां बोल रहा हूं पावर का मतलब क्या होता है अब इतना हिंदी तो नहीं बोल पाएंगे लेकिन बोल तो हिंदी ही रहे वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होने वाला और ये क्या है इसका आंतरिक और ये जो है वो क्या है 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 ठीक बिल्कुल तो पूरा हिंदी बेटा नहीं बोल पाएंगे अपन भूल गए हैं बहुत पहले पढ़ा था ठीक है तो आप लोग थोड़ा थोड़ा सीख लीजिए है ना ओके चलिए शक्तियां बोला पावर का शक्ति कपूर आ गया ओ भाई साहब क्या बात है पावर को बोलते हैं शक्ति एकदम सही बोल रहे हो भोजपुरी में पढ़ाया ये भी मस्त था चलो इधर आ जाओ तो अब देखो ध्यान से तो अब करना क्या होगा सर इसके थ्रू पावर निकालो तो पावर क्या होगा इसके थ्रू आई निकालो और पावर होता है आई स्क्वायर आर तो आई स्क्र आर निकालो आई क्या होगा सर्किट में वो देखो आई जो होगा सर्किट में वो नेट एम एफ, ए, नेट कितना है बाय प्लस किट होगा बोलो कोई दिक्कत किसी भी बच्चों को नो सर पावर जो होता है वो क्या होता है वो होता है आई स्क्वायर आर तो, तो पावर जो i स्क्वायर r होगा वो देखो जल्दी से आप पावर जो i स्क्वायर r होगा वो देखो जल्दी से अब तो पावर जो i स्क्वायर r होगा वो देखो जल्दी से अब अब वो देखो जल्दी से पावर तो पावर क्या होगा वो देखो i स्क्वायर r तो i क्या है e r r इसका होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा e r r का होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा i स्क्वायर क्या हो जाएगा r हो जाएगा क्या हो जाएगा r हो जाएगा ये देख लो पावर क्या होगा आई स्क्वायर आर हो जाएगा तो ये चीज को देखो जरा सा समझो इसको समझो इसको समझो इसको ठीक है अब देखना पावर जो है वो आई स्क्वायर आर निकाला तो इसको सॉल्व करते हैं अपन तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर ये हो जाएगा आर प्लस आर का होल स्क्वायर और इनटू टू आर बहुत मजा अब मुझे क्या करना है मुझे निकालना है मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगा यानी कि पी को करना है मैक्सिमम पी को करना है मैक्सिमम और ई क्या वोल्टेज है ईएमएफ है इस बैटरी का ई क्या है ईएमएफ ई क्या है ईएमएफ बैटरी वी वी वोल्ट वी वी है वी ठीक है ओके पंकज क्लियर है ठीक है पक्का यस ओम प्रकाश एकदम सही बोले आप आधा इंग्लिश आधा हिंदी इसीलिए इसको बोलते हैं इंग्लिश इंग्लिश कहां बोल रहे हैं ना ही इंग्लिश ना ही हिंदी तो ये मिक्सचर चल रहा है हम लोग ऐसे ही बहुत अच्छा से समझ लेते हैं आया बात समझ में ना यस अर्पण एकदम सही ठीक है चलो बहुत बढ़िया अर्पण अर्पण ने एकदम से सही बोल दिया है देखो क्या क्या बोल रहे हैं कि पावर को करना है और यह आर है वेरिएबल तो मैक्सिमा मिनिमा का होता है जल्दी से देखो क्या जिसको करना है डिफरेंशिएट जिसको करना है मैक्सिमम उसे करो डिफरेंशिएट और जो चीज है वेरिएबल उसके रेस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएट तो पी को करना है क्या करना है बेटा पी को करना है तो क्या को लिखोगे डी पी पाए R है वेरिएबल तो क्या लिखोगे dr ये हो जाएगा dp पी बाई बोलो हाँ है ना P को करना है मैक्सिमम तो P को करेंगे डिफरेंशिएट और R है वेरिएबल तो R के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा dP by dr is equal to zero तो यहां से क्वेश्चन तुरंत से खत्म हो जाएगा तो जल्दी से तुम लोग भी डिफरेंशिएट मारो इसको मजा ले लो जीवन का तो ये रहा P ये रहा R और ई स्क्वायर आर बायर प्लस आर का होल स्क्वायर तो ये काम करो ये क्या है मैक्सिमा एंड मिनिमा का है कि जिस चीज को करना है मैक्सिमम उसको करो डिफरेंशिएट और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे मैक्सिमम मिनिमम वाला सिर्फ एक ही चीज पूछता बोला मैक्सिमम तो डबल डेरिवेटिव की जरूरत ही नहीं पड़ती है यहाँ पे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है तो डीपी बाई डी आर को जीरो करेंगे तो यह हुआ ई स्क्वायर कैपिटल आर बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर तो क्या लिखोगे देखो डी ई स्क्वायर आर आर प्लस आर का होल स्क्वायर बाय डी आर यह हो जाएगा डी पी ए स्क्वायर आर बायर का देखो डी आर आर कौन सा कैपिटल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आर कौन सा कैपिटल इज इक्वल टू क्या जीरो अब देखो ध्यान से अब देखो ध्यान से <स्थाँगा> ये ई e स्क्वायर बाहर और ये आर बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर तो यह हो जाएगा ई स्क्वायर बाहर यह हो जाएगा डी आर बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो जरा ध्यान से देखा जरा ध्यान से देखा तो ये ई स्क्वायर जीरो के नीचे गया खत्म ये हो गया यू बाई वी यू बाई वी है ये क्या है ये यू बाई वी तो क्या लिखोगे जल्दी बताओ ये वी आउटसाइड डिफरेंशिएशन तो DR by DR, minus. Outside, u minus. हो जाएगा डी आर बाय डी आर माइनस v आउटसाइड u का डिफरेंशिएशन माइनस जिसका डिफरेंशिएशन गया वो बाहर जिसका नहीं हुआ वो अंदर डिवाइडेड बाय v का होल स्क्वायर v क्या है बेटा r प्लस आर का होल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये जगह पावर फोर ठीक है इक्वल टू जीरो लाइन समझ में आया फिर से यहां हर बार मत तुम लोग ये छोटा सा बस एक डिफरेंशिएशन है

इसका डिफरेंशिएशन दिखाता हूं करके किसका सर इसका जल्दी देखो है इसका डिफरेंशिएशन करो r प्लस आर का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो तो d बाय r प्लस आर का होल स्क्वायर बाय डी आर यह चेन रूल चलेगा सबसे पहले तो यह जगह डी r प्लस आर का होल स्क्वायर बाय डी आर प्लस आर यह तो अपने मन से लिखा मैंने यह तो अपने मन से लिखा ना डिवाइडेड बाय डी आर ये तो अपने मन से लिखा ना By dr r. हाँ सर ये तो अपने मन से लिखा था। क्या बात समझ में क्या किया? इसको बोलते हैं चेन रूल बेटा क्या करते हैं चेन रूल क्या करते हैं चेन रूल क्या करते हैं चेन रूल।, रूल तो ये देखो चेन रूल में क्या करा जाता है कि ये तो आर का वेरिएबल है नहीं ये x का पावर n का फॉर्मूला चलाने के लिए उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं और फिर इसको इसके रिस्पेक्ट में ये ये चेन रूल है ध्यान देना तो ये एन एन वन तो जगह पावर टू माइनस वन टू डी देखो वा और यह स्मॉल चीज है कांस्टेंट कांस्टेंट है है ये इंटरनल रेसिस्टेंस बैटरी का कांस्टेंट है उसको चेंज करोगे तो ये जीरो हो जाएगा तो फाइनल डिफरेंशिएशन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आर प्लस आर तो ये चीज ध्यान से देखो ये कितनों को समझ में आया जल्दी से बताओ तो ये कितनों को समझ में आया जल्दी से ये नहीं आया ना पंकज पाल टेंशन मत लो क्योंकि ये बेटा बेसिक मैथ्स जो संजीवनी में मैंने तुम्हें भेजा है वो लेक्चर जाके देखो पूरा डिफरेंशिएशन का बेटा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का पहला दूसरा लेक्चर जो डिफरेंशिएशन वाला है प्लीज जाके देखो तुम लोग जरूर जाके देखो बच्चों जरूर जाके देखो तो नहीं तो तुम लोग परेशान होते रहोगे डिफरेंशिएशन में यार परेशान होते रहोगे बेटा चेन रूल में परेशान होते रहोगे आ रहे समझ में समझ रहे हो ये वहीं पे क्लियर होगा अब यहाँ पे जो कि मैं दो घंटे तक पढ़ाया है वो दो सेकेंड में तो क्लियर नहीं हो पाएगा मेरे प्यारे बच्चों समझ रहे हो सारे के सारे तो जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ फटाफट से यस या नो या, या कुछ भी ठीक है तो ये चीज को समझना है इस चीज को समझना है यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कि ये चीज है कहानी सर यहाँ पे है कहानी इस जगह पे ट्वेल्स ऑफ आर प्लस आर ठीक है

और यहां पे क्या बचेगा एक बार आर प्लस आर, तो आर. बराबर है आर टू जीरो अब दो चीज का प्रोडक्ट जीरो जीरो होगा या तो ये जीरो होगा तो हो अगर तुम इसे जीरो कर भी दिए तो आर प्लस आर इज इक्वल टू जीरो तो आर इज इक्वल टू माइनस आर यह निगेटिव रेसिस्टेंस हम होता है देखो ध्यान से स होता है ऐसा नहीं होता इस दुनिया की निगेटिव रेसिस्टेंस नहीं होता है होता है लेकिन हम नहीं पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में नहीं है इसीलिए ये नहीं होता है ऐसा नहीं है कि निगेटिव रेसिस्टेंस नहीं होता होता है होता है निगेटिव रेसिस्टेंस बेटा अच्छा ऐसा क्या हाँ निगेटिव रेसिस्टेंस होता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा टेम्परेचर घटेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा ऐसा होता है हमने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट निकाला हुआ है हमने बनाया हुआ था कॉन्सेप्ट पे इस कॉन्सेप्ट पे तो या या तो ये जीरो हुआ ये जीरो हुआ तो नेगेटिव हो गया हम कंसीडर नहीं करेंगे है ना वी कांट कंसीडर अप टू आर लेवल ऐसे लिख देता हूं वी कांट टेक वी कांट टेक नेगेटिव रेजिस्टेंस है ना वी कांट टेक नेगेटिव रेजिस्टेंस नेगेटिव रेजिस्टेंस हम नहीं लेते हैं वी कॉन्ट टेक नेगेटिव रेसिस्टेंस तो ये क्या हो जाएगा आर माइनस आर इज इक्वल टू जीरो तो ये ये हो जाएगा आर माइनस आर इज इक्वल टू जीरो फोर कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर यही कंडीशन है यही कंडीशन है बहुत पहले नीट में पूछा है क्वेश्चन यानी कि एक चीज हमने नोट करके सीखना है कि जब भी किसी भी बैटरी या किसी भी किसी भी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के क्रॉस मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफर होगा जब ये वैल्यू इस बैटरी के इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर हो तो पावर विल बी ट्रांसफर थ्रू द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस पावर ट्रांसफर थ्रू द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज मैक्सिमम व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज सेम एज दैट ऑफ द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल तो क्या बोला मैंने क्या बोला मैंने उस इंग्लिश को फिर से लिखो पावर ट्रांसफर्ड थ्रू द देखो जल्दी से क्या लिखोगे पावर ट्रांसफर्ड थ्रू द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज मैक्सिमम when power transferred through the external resistance is maximum when 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 its value is yeah its resistance is equal to इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल आया बात समझ में पावर ट्रांसफर थ्रू द इस्टर्नल रेसिस्टेंस इज मैक्सिम वेन इट्स किसके लिए यूज हुआ है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के लिए है ना वेन इट्स रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल बोलो मजा आ गया सबको तकड़ा वाला मजा आ गया एक एक चीज फील आ गया जल्दी से फटाफट से बता दो ठीक है यस तो क्या ये डेरिवेशन याद रखना है आंसर है नो 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 क्या ये कॉन्सेप्ट याद रखना है यस 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 तो सबको याद हो गया कि पावर ये ये डेरिवेशन कभी जीवन में आएगा नहीं बोर्ड में है ही नहीं

नीट में तो आएगा यस लेकिन डेरिवेशन नहीं आएगा तो नीट में कॉन्सेप्ट आएगा सीधा याद रखेंगे और ये मेथड सीख लिया आपने तो इसको रट्टा मत मारते रहना कैसे किया बस डी पी बी आर जीरो उसके बाद तुम्हें अगर चेन रूल आता है आता है तो तुम बहुत ही बढ़िया तरीके से मजे मारो और एक बार डिफ्रेंशिएट कर करके रिजल्ट निकाल दो तो ये तो डिफरेंशियशन है ये कौन सा फिजिक्स है है कि नहीं मजेदार दमकदार चमकदार वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत मजेदार तो चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए उसके बाद अगला एक और क्वेश्चन मैं बनाऊंगा जल्दी से सॉल्व कीजिए फटाफट से

वेरियबल रेसिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरियबल रेसिस्टेंस आर द वैल्यू ऑफ द आर फॉर विच द पावर डिलीवर्ड इज मैक्सिम और आर का वैल्यू जिससे कि पावर जो हो वो इसके अक्रॉस मैक्सिमम जाए तो अभी बताया आर और ये आर बराबर तो कहानी खत्म कितना आंसर होगा जीरो पॉइंट फाइव बी इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन सब लोगों ने सॉल्व कर दिया जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ एकदम तगड़ा गेम ऑन हो चुका है चलो अब एक क्वेश्चन और करवाता हूं देखना ध्यान से करोगे करोगे पक्का ये लो क्वेश्चन क्वेश्चन है क्वेश्चन है ये वाला ये कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन है याद रखना कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन ध्यान से देखो क्वेश्चन है इन द गिवेन सर्किट सर्किट वन सर्किट टू यह बैटरी सेम है दो रेसिस्टेंस है आर वन और आर टू ठीक है तुम्हें बताना है फाइंड द कंडीशन इन थ्री वेरिएबल्स इन टू वेरिएबल्स आर वन आर टू या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ आर वन आर टू सो दैट द पावर ट्रांसमिशन थ्रू द आर वन एंड आर टू इज सेम अब क्वेश्चन क्या है वो देख लो क्वेश्चन पूरा लिख देता हूं यहां पर एक लाइन से फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए स्मॉल आर आर वन एंड आर टू सो दैट सो दैट पावर ट्रांसमिटेड थ्रू आर वन एंड आर टू सेम किसी को याद है कोई कोई सीखा है चलो है ना चलो जल्दी से इधर देखो चैट मत करो बात मत करो बात मत करो क्वेश्चन सॉल्व करो जो जो बोला वो करो जल्दी से करो तो एक मिनट पहन चलो तो जल्दी से वेट सर यस मैं टाइमर ऑन कर दे रहा हूं यस आई एम वेटिंग हियर जल्दी बताओ वेट कर रहा हूं मैं जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ नहीं पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बातचीत मत करो बेकार की चीजों का बातचीत मत करो इधर पढ़ाई पे ध्यान दो जल्दी बातचीत मत करो पढ़ाई पे ध्यान दो बातचीत मत करो पढ़ाई पे ध्यान दो बातचीत मत करो पढ़ाई पे ध्यान दो जल्दी फाइंड द रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर आर वन एंड आर टू ये सो द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू आर वन एंड आर टू इज सेम जल्दी से बताओ जल्दी से आंसर कमेंट करो लिख के बताओ ना आर वन आर टू रूट नहीं क्या जल्दी बताओ स्क्वायर रूट ऑफ़ जोहान वेरी गुड बेटा बहुत बढ़िया अच्छा अच्छा कर रहे हो मुझसे बात क्यों नहीं करते हो तुम लोग कैसे कैसे टेस्ट में कितना स्कोर कर रहे हो एकदम सही बोल रहे हो अभी सॉल्व करो पहले से पता था तुम्हें जोहान पहले से पता था बेटा जल्दी बताइए जोहान समझ नहीं आ रहा है सर कौन सा कृति भेड़ा कहां पे समझ नहीं आ रहा है जो बोल रहा है वो करो ना इसके अक्रॉस पावर निकालो और इसके अक्रॉस पावर निकालो और दोनों को बराबर कर दो पावर निकाल के बराबर करो यही बोला है है ना कृति मेरे कोचिंग में कराया है डायरेक्ट फॉर्मूला अच्छा यस ठीक है ओके जोहान अब, अब सोचो दिमाग लगाओ जोहान दिमाग लगाओ थोड़ा दिमाग लगाओ लिटिल बिट सोचो जल्दी रिलेशन बिटवी पावर ट्रांसमिटेड जल्दी बताओ चलो इधर देखो हिंट देता हूँ यहां से मान लो करंट गया आई वन इसके अक्रॉस पावर क्या होगा पावर थ्रू वन बराबर पावर थ्रू टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन तो यही बोल रहे हैं ना कि पावर थ्रू आर वन एंड आर टू इज सेम इसके अक्रॉस पावर क्या होगा आई वन का स्क्वायर इंटू आर वन इज इक्वल टू आई टू का स्क्वायर इंटू आर टू यस सर अब आई वन कितना है वो देखो इसका जो करंट होगा आई वन वो हो जाएगा इसका ई डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर देखो और इसका जो करंट होगा आई टू आई टू ये क्या होगा वो देखो आई टू ये हो जाएगा ये डिवाइडेड बाय ये 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 पावर क्या होगा आई तो आई क्या होगा ई डिवाइडेड बाय आर टू देख रहे हो ई डिवाइडेड बाय R2 टू प्लस आर इसमें कोई दिक्कत किसी को बोलो टोटल बैटरी टोटल रेसिस्टेंस R1 वन प्लस आर यहाँ पे टोटल बैटरी टोटल रेसिस्टेंस R2 टू प्लस आर अब मैंने बोला पावर पावर होता है आई स्क्वायर आर तो I क्या हो जाएगा E बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर तो क्या लिखोगे इसको देखो ये जगह जाएगा ई स्क्वायर बाय का होल स्क्वायर इनटू ये क्या हुआ देखो ये क्या हुआ देखो यह हो जाएगा आई टू स्क्वायर आई टू क्या है e square. यहाँ पे क्या है आर टू जाएगा वो देखो आर टू प्लस आर का होल स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा का स्क्वायर देखो अब इसको सॉल्व करो तो ये यह स्क्वायर e और ई स्क्वायर खत्म तो ये आर प्लस आर टू का होल स्क्वायर और आर वन इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले जाओ हां सर मजेदार तो क्या लिखोगे आर प्लस आर टू का होल स्क्वायर इंटू आर वन इज इक्वल टू यहां पर आर टू इंटू आर प्लस आर वन का होल स्क्वायर बोलो मजा आया मजा आया भाई लोग यस yes. अब देखो यहां पे भी स्क्वायर है यहां पे नहीं है यहां पे स्क्वायर है यहां पे नहीं है तो मैं क्या करता हूं इसको रूट ले लेता हूं टेकिंग रूट बोथ साइड क्यों कर रहे हो? के लिए। प्लस बी का स्क्वायर बहुत लफड़ा होता। दोनों तरफ कुछ भी कर सकता हूं मैं दोनों तरफ कुछ भी कर सकता हूँ तो और यहाँ आर टू पर रूट चढ़ जाएगा ये खत्म तो देखो क्या हो गया फाइनली आर प्लस आर टू देखो ध्यान से फाइनली क्या हुआ आर प्लस आर टू आर प्लस आर टू हो गया और यहाँ पे क्या हो गया रूट अंडर देख लो आर वन √ अंडर r1 is equal to, यहां पे क्या हो गया वो देखो √ अंडर r2 r plus r1 ये हो जाएगा r plus r1 स्क्वायर और √ खत्म यहाँ पे √ अंडर r2 ये लाइन कितनों को पूरा बात समझ में आ गया जल्दी से वाईट ऐप करो वन टैप करो आग लगाओ दिल बरसाओ जो मन करे वो करो पहले ये करो राहिल बेटा आप लिखो बहुत स्लो पर आ रहा हूं इतने देर से रुका रहता हूं तो क्यों नहीं लिखते हो तुम बेकार का फालतू तो टेंशन लेते रहते हो तो लिखने का टाइम नहीं देते हो यार ऑनलाइन में इतने एक ही चीज को पचास बार बोलता हूँ लिख लिया करो ना बच्चे खड़े होता रहता साइड में तब लिख लिया करो बच्चे थोड़ा सा नोट देता हूँ तब अब यार तुम सारा दिन दिल लिखने में ही लगे रहोगे तो कैसे चलेगा राहल तुम ही बताओ यार बच्चे ठीक है तो लिखा करो बच्चा तुम तो चीजों को समझो कि अगर तुम्हारे लिए मैं मुझे समझ नहीं आएगा ना कब कितना देर इंतजार करना है बहुत धीरे बोल रहा हूँ पी वन पी टू आई स्क्वायर आर वन आई टू फिर रुक गया आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ ना बहुत ज्यादा तो थोड़ा थो 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 लिख लिया करो ठीक है अपने आप तो ये देखो अब ये कहानी बन के आ गई ये लाइन में किसी को भी दिक्कत है तो बोलो सर आपने कुछ किया ही नहीं दिक्कत किस बात का क्वेश्चन वाला भी बोला कि पावर आर वन आर टू से सेम होगा आर से वन R1, से पावर होगा आई वन स्क्वायर बाय आर वन आई टू से पावर होगा आई टू स्क्त आई टू क्या होगा नेट वोल्टेज बाय नेट रेसिस्टेंस नेट वोल्टेज बाय नेट बायिस्टेंस बोलो बोलो घनश्याम अब यहाँ पे क्या हो गया वो देख लो so, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको जब सॉल्व किया तो क्या होगा वो देखो देखो क्या होगा अब ये ये देखो क्या होगा ये देखो क्या होगा तो ये इसको मल्टीप्लाई करो तो रूटर रूट आर वन और ये आर टू आर टू में दो बार रूट अंडर आर टू है ये ऐसे लिख लो मजा आया आर टू में दो बार रूट अंडर आर टू है यहां पर आर रूट अंडर आर टू और प्लस ये आर टू और आर वन में रूट अंडर आर वन दो बार है अरे वाह क्या बात है अब ये आर टू को इधर करो तो ये हो जाएगा आर कॉमन रूट अंडर आर वन माइनस रूट अंडर आर टू ये चीजों को उस साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा रूट अंडर आर टू रूट अंडर आर वन रूट अंडर आर वन माइनस ये वाला उधर रूट अंडर आर वन रूट अंडर आर टू रूट अंडर आर टू अब देखो ध्यान से मेरा बात ये आर वन आर टू कॉमन ले लो तो रूट अंडर आर वन आर टू कॉमन ले लो यहाँ पे क्या बचा रूट अंडर आर वन यहां पर क्या बचा रूट अंडर आर टू और यहाँ पे क्या बचा आर इंटू रूट अंडर आर वन माइनस रूट अंडर आर टू तो देखो मजा आ गया होगा तुम लोगों को ये दोनों कैंसिल आउट हो गए लोग ये खुपाच और ये खुपाच सेम चीज है ना तो R का वैल्यू क्या हो गया रूट अंडर R1 R2 ये एक बच्चा बोल भी रहा था जो कि एकदम रिजल्ट याद रखा था तुम सब भी यही सब काम करोगे सारे रिजल्ट बहुत अच्छा तरीके से याद रखोगे मजेदार तरीके से ये एक न्यूमेरिकल भी है लेकिन बच्चे इसका रिजल्ट भी याद रखते हैं कि अगर ये इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू आर वन आर टू के बराबर हो जाए रूट अंडर तो इन दोनों सर्किट में पावर जो होगा ट्रांसमिटेड वो सेम होगा अगर सबको पूरा बात एकदम दिमाग में सेट हो गया है तो जल्दी से वाइट ऐप करो क्विक से व्हाइट करो जल्दी से व्हाइट ऐप करो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जल्दी से व्हाइट ऐप करो बच्चों फटाफट से अब अगले बात इसका कहानी शुरू करते हैं जल्दी से घनश्याम बोलो आ रहा है समझ में कोई परेशानी बेटा बोलो कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है सीख लिया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर यस सर मजा आ गया अरे वाह ओम प्रकाश जी थैंक यू है ना रिदीप पॉल जी बोल बेटा कहां परेशान हो रहे हो करना क्या है ये बात समझ में आया पहले का पावर दूसरे का पावर बराबर कहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले का पावर रेसिस्टेंस होता है करंट वही लिखा मैंने वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेसिटेंस और इन दोनों को क्या किया बराबर किया बराबर करके ये आया अब ये रूट अपने मन से लिया क्योंकि स्क्वायर हटाना से छोटा बन जाता है चीज अदरवाइज ये परेशान हो जाता ठीक है तो ये स्क्वायर और ये रूट अंडर आर वन हो गया यहाँ रूट अंडर आर टू हो गया उड़ा। अब यहां पे इसको क्या -क्या मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर आर टू इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया आर टू रूट अंडर आर टू इंटू रूट अंडर आर टू आर वन को क्या लिखा ये पीछे वाले में जो आर वन है इसको रूट अंडर आर वन रूट अंडर आर वन रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स क्या होता है बेटा एक्स क्लियर हुआ अब तो कुछ भी जान नहीं है इसको आर टू को इधर किया तो आर कॉमन ले लिया ये रूट अंडर आर वन और इसका रूट अंडर आर टू हो गया इन सब को उधर किया बचा क्या आर वन आर टू इसमें भी है आर वन आर टू इसमें भी है common ले लिया तो यहाँ बचा रूट अंडर आर वन रूट अंडर दोनों सेम चीज है प्रोडक्ट में तो कैंसिल आउट हो गया आर का वैल्यू रूट अंडर आर वन आर टू बोलो बच्चों क्या बजा आ गया बिटवा लोग क्या तुम लोग पूरा तरीके से फोड़ रहे हो यस सर तो ये सब कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखना है अब मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर बहुत ही मजेदार चीज और वो है क्या बल्ब क्या पढ़ाएंगे बेटा बल्ब क्या पढ़ाएंगे बेटा बल्ब तो अब, अब अब अपन सीखने वाले हैं बल्ब क्या सीखने वाले हैं बल्ब बोलो पक्का समझ में आ रहा है अरे वाह थैंक यू रूट हट भी सकता है हाँ रूट हट भी सकता है रूट क्यों नहीं हटेगा स्क्वायर हो और रूट हो तो रूट हट जाता है स्क्वायर हो और रूट हो तो रूट हट जाता है बेटा जैसे रूट अंडर एक्स स्क्वायर तो वो जगह एक्स है ना वो जगह एक्स चलिए तो सब लोग का कॉन्सेंट्रेशन लेवल इधर है सब लोग बल्ब पढ़ने के लिए तैयार है और मैं भी बल्ब पढ़ाने के लिए तैयार हूं बच्चों तो चलो शुरू करते हैं हम मजेदार तरीके से एकदम फोड़ू बच्चा बनके चलिए सर बहुत बढ़िया लगेगा ठीक है चलो अरे वाह शिवम जी क्या बात है थैंक यू लव यू चलिए अब इधर देखिए बल्ब क्या है बल्ब ऐसा 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 ऐसा, ऐसा, ऐसा फोटो होता है अब देखो कभी भी तुम बल्ब खरीदने गए हो बल्ब खरीदे हो कभी देखो बल्ब में क्या लिखा रहता है क्या लिखा रहता है बल्ब में बताओगे लव यू विषाद जी बहुत बढ़िया बल्ब खरीदने गए हो कभी मार्केट में क्या लिखा रहता है बताओगे कभी देखो बल्ब को उठा के क्या लिखा हुआ है बल्ब के ऊपर मेरे पास होगा बल्ब आजकल ऑफिस में बहुत बल्ब लग रहे हैं ना है ना बल्ब देखो कभी उठा के क्या लिखा रहता है बताओ तो क्या लिखा रहता है बल्ब में पावर रेटिंग नहीं पावर मत बोलो पावर रेटिंग इसके ऊपर रेटिंग पावर होता है रेटिंग का मतलब होता है जिस कंपनी ने बनाया जिसने इसका मैन्युफैक्चर किया वो बोला कि पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग ये दो चीज होता है कभी भी जाके कोई भी बल्ब खरीदना बल्ब के ऊपर एकदम ठक एक थप्पा लगा रहता है उसके ऊपर लिखा रहता है कि ये पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग कितना है ध्यान नहीं दिए कभी यस अब देखो ध्यान दि देके कभी बल्ब खरीदने जाओगे उसके ऊपर उसमें लिखा रहता है पावर रेटिंग वोल्टेज रेटिंग तभी तो ज्ञानी आदमी बनोगे तुम लोग पढ़ने लिखने का क्या फायदा है कुछ पता होना चाहिए जीवन में है ना अब देखो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि अगर इस बल्ब के अक्रॉस इतना जितना रेटिंग है जो जनरली क्या रहता है जिंदरी मान लो तुम गए मार्केट में तुमने बोला यार 100 वोल्ट 100 वाट का बल्ब दे दो 100 वाट का बल्ब और 220 वोल्ट का वोल्टेज ये है ऐसा रेटिंग जनरली लिखा रहेगा जनरली ये लिखा रहता है सौ वाट का बल्ब खरीदा तुमने है ना सौ वाट का बल्ब अभी खरीदा ठीक है तो अब जरा ध्यान से देखना गुलाम ये क्या पूछ रहे हो तुम बल्ब का डेफिनेशन एक ऐसा चीज जो लाइट प्रोड्यूस करे उसे बल्ब बोलते हैं जिसके एक, एक ऐसा चीज जिसके ऊपर शीशा का लगा हो नाइक्स हो और जिसे अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस कनेक्ट करते हैं तो लाइट देना लगे उसे बल्ब बोलते हैं यह है डेफिनेशन अरे यार कैसी बातें कर दो माथा पीटने लगूंगा मैं यार पूछोगे कि आज हम पढ़ेंगे क्या कुछ बोल दिया मैंने बॉडी के बारे में बॉडी का डेफिनेशन पेट चीर दूंगा मैं पेट समझाया और पेट चीर के गुलाम पेट में बल्ब घुसा दूंगा समझ आया फिर तुम्हें मजा आने लगेगा बेटा फिर लाइट निकलेगी अंदर से बदमाश कही के अरे बल्ब का डेफिनेशन थोड़ी बल्ब के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछ पढ़ने आया यार एक ऐसा चीज जो लाइट प्रोड्यूस करे वो बल्ब हो गया फिर मजा आएगा लाइट नहीं तुम ही बल्ब बन जाओगे चलो इधर आ जाओ दस वोल्ट बल्ब आता है दस वॉट का वोल्ट का नहीं बल्ब आता है तुम भी ना यार साक्षी बेटा दस वोल्ट का बल्ब नहीं आता है दस वॉट का बल्ब आता है वोट जीरो का ही बल्ब आता है जाके बोलोगे तो बोलेगा जीरो का बल्ब है ठीक है तो ये होगा पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग वोल्टेज रेटिंग तो जो तुम सप्लाई कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग होता है तो वो इंडिया में स्टैंडर्ड 220 वोल्ट का सप्लाई करते हैं इंडिया में कितने का सप्लाई करते हैं 220 वोल्ट का ठीक है ठीक है है ना अब यहां पे देखो अब यहां पे ये जो पावर रेटिंग है ये वोल्टेज रेटिंग है इसका मतलब क्या है कि अगर इस बल्ब को अपने घर में ले जाओ और जितना रेटिंग है उतना ही वोल्टेज यहां पे लगा दो तो ये उतना ही पावर कंज्यूम करेगा जितना लिखा हुआ है इसका ये मतलब है लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है जनरली ऐसा क्वेश्चन में जो 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 रेटिंग होता है उतना ही घर में पोटेंशियल डाल रहे हो उतना ही पोटेंशियल कर रहे हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है तो ध्यान से सुनो इधर ध्यान से सुनो इधर तो इस इस रेटिंग वोल्टेज और रेटिंग पावर से हम निकालते हैं बल्ब के किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या रेसिस्टेंस तुरंत से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे अपन फिर सबसे पहला चीज हम निकालते हैं रेसिस्टेंस क्या निकालते हैं रेसिस्टेंस जल्दी से कमेंट करो आर 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 जल्दी से कमेंट करो आर आर जल्दी से कमेंट करो आर आर आ जल्दी से कमेंट करो आर 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 क्या कमेंट करो आर 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 समझ आया तो ये क्या है रेसिस्टेंस क्या है ये रेसिस्टेंस तो ये जो रेसिस्टेंस है वो इसका कितना होगा तो रेसिस्टेंस जो है वो क्या होगा अभी मैंने पढ़ाया है तुम्हें कि पावर क्या होता है पावर होता है तो, आर क्या होगा? आर होगा पी। मजा आया तो आग लगा तो सबसे पहला काम है रेसिस्टेंस निकालना और रेसिस्टेंस निकलेगा इस तरीके से रेसिस्टेंस निकलेगा इस तरीके से रेसिस्टेंस निकलेगा इस तरीके से बोलो रेसिस्टेंस निकलेगा वी स्क्वायर बाय पी से कैसे निकलेगा रेसिस्टेंस भैया v स्क्वायर पर p से कैसे निकलेगा रेजिस्टेंस भैया v स्क्वायर पर p से बोलो मजा आया यस तो ये 100 वाट है तो बीस वोल्ट है ये पावर है p नॉट ये v नॉट तो यहाँ पे यहाँ पे ये यह जो रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा v स्क्वायर पर r तो r क्या होगा v स्क्वायर पर p बोलो मस्ती में मजा आया बोलो 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 पक्का यस अब देखो जैसे ही तुम रेजिस्टेंस निकालते हो फिर ये क्वेश्चन वैसा ही बन गया जैसा पहले था मतलब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया एक रेसिस्टेंस वाले क्वेश्चन में मजा आया ये हो गया क्वेश्चन क्या ये क्वेश्चन सॉल्व करना मैंने सिखाया है तुम्हें हाँ या ना तो बोल दो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व करना मैंने सिखाया है या ना तो बोल दो क्या ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करना सिखाया है हाँ ना तो बोल दो अगर तुम बोलोगे यस सर ये क्वेश्चन सिखाया है तो क्या बल्ब का कोई भी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे हाँ सर बल्ब का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बोलो कर लोगे पक्का मजेदार यस तो रेसिस्टेंस निकालने के बाद जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होता है रेसिस्टेंस निकालने के बाद जो इसके क्रॉस पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होता है अब देखो ध्यान से घर में जो बहुत सारे बल्ब लगाते हैं तो तुम क्या चाहते हो कि घर में एक एक स्विच बताए और सारा बल्ब जलते रहे पूरा घर का बल्ब जल दे तुम ये चाहते हो क्या घर में क्या चाहते हो तुम मुझे बताओ घर में क्या चाहते हो तुम घर में क्या चाहते हो एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ घर में क्या चाहते हो बताओ मुझे घर में सब सो रहे हो और तुम्हें पढ़ने का मन करे घर में क्या करते हो बताओ मुझे घर में क्या करते हो घर में क्या करते हो घर में तो बहुत कुछ करते हैं अरे नहीं बल्ब के साथ तुम्हें पढ़ने का मन है तुम पढ़ना चाहते हो रात में तो एक 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 प्रकाश बहुत बढ़िया यस शिवम तो तुम घर में यह चाहते हो कि यार हमें पढ़ना है एक ही स्विच सारे बल्ब जल जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी तो फूकता रहेगा यार तुम एक ही जगह बैठोगे ना बाकी जगह चलता रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी ना इसको कैसे किया जाता है इसको किया जाता है पैरल कॉम्बिनेशन करके तो आज के बाद से ध्यान रखना कि घर में कैसा कनेक्शन होता है पैरल क्योंकि पैरल में क्या होता है एक बल्ब लगाया हाँ फिर दूसरा बल्ब लगाया हा इसके क्रॉस एक, एक स्विच डाल दिया ये स्विच को अगर क्लोज करेंगे तो ही यह बल्ब चलेगा अदरवाइज नहीं चलेगा इसी तरीके का लेकिन सीरीज में एक बल्ब जलाया दूसरा बल्ब जलाया तीसरा बल्ब जलाया चौथा बल्ब जलाया इसके क्रॉस जो भी करंट जाएगा वो सब नहीं जाएगा इसमें भी जाएगा टिक टिक टिक।, इसमें भी जाएगा टिक 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 इसमें भी जाएगा टिक टिक इसमें भी जाएगा टिक टिक इसमें भी जाएगा टिक टिक सारे चल जाएंगे सारे जल जाएंगे तो घर में क्या करते हैं घर में कैसा यूज करते हैं पैरल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड से बताते जा रहा हूं ध्यान से देखते चलो अब देखो ये भी पता चल गया ये भी पता चल गया सर अगला पॉइंट है फ्यूज होना फ्यूज होना फ्यूज होने का क्या मतलब है फ्यूज होने का क्या मतलब है बल्ब खराब हो जाना बल्ब खराब कब होगा देखना ध्यान से जब इसका जो भी पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग है सुनना ध्यान से जो भी पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग है और ये जो अप्लाइड वोल्टेज है अगर ये अप्लाइड वोल्टेज इसके वोल्टेज रेटिंग से बड़ा हो जाए तो ये बल्ब फ्यूज कर जाएगा मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है और ये जो रेटिंग है ये अगर बड़ा हो जाए, बल्ब क्या करेगा फ्यूज कर जाएगा बल्ब क्या करेगा बल्ब क्या करेगा फ्यूज कर जाएगा आया समझो बल्ब खराब हो जाएगा इसका ये मतलब है क्योंकि इसका औकात था दो रोटी खाने का तुमने दस रोटी खिला दिया इसका औकात है यस वोल्टेज ओवरलोडिंग यस मुस्कान बोलो बेटा समझ में आया तो इसका औकात है वी नोट कहीं जो बनाया है मैन्युफैक्चर किया है उसने इसको वी नॉट तक का ही रखा है जो बनाया है मैन्युफैक्चर किया है है वो वी नॉट तक का ही रखा है। तो यहां पे अगर ये वी जो है वो ग्रेटर देन वी नॉट है तो बल्ब क्या करेगा फ्यूज कर जाएगा बल्ब क्या करेगा फ्यूज कर जाएगा ठीक है पक्का समझते जा रहे हो अब इसके ऊपर और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट की बात हम करते हैं लेकिन सबसे पहले अब क्वेश्चन करेंगे छोटे छोटे तब समझ में आएगा ठीक है अब थ्योरी नहीं अब क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी चलो तो चलो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों 2004 में पूछा गया क्वेश्चन जल्दी से फटाफट से बता दो जल्दी से इसमें एक मिनट का टाइम दो 2004 में पूछा गया क्वेश्चन जल्दी से फटाफट से दिमाग लगाओ और सोचो जल्दी से दिमाग लगाओ और सोचो जल्दी से जल्दी से अटैम्प मारो अटैप मारो टैम मारो टैम मारो टैम मारो जल्दी से अटैम्प मारो मेरे प्यारे बच्चों हाँ एक बच्चा पूछ रहा है रुको अभी रुको एक बच्चा पूछ रहा है कि अगर जितना वोल्टेज है उससे कम दिया तो तो ये जितना पावर कंज्यूम कर सकता था उससे कम कंज्यूम करेगा इसका मतलब डिम हो जाएगा कभी कभी लाइट कम देने लगता है बोलते हो अरे आज क्या हो गया डिम हो गया लाइट वो होने लगेगा तो अगर इसका दूसरा केस इफ वी शुड बी लेसर देन वी नॉट तो ये क्या करेगा पावर कंजम्पशन विल बी लेस ये जो तो पावर कंज्यूम होगा वो लेसर देन पावर रेटिंग होगा तो ये लाइट डिम हो जाएगा ये लाइट कैसा होगा डिम हो जाएगा लेस पावर कंज्यूम करेगा समझ में आया है ना ठीक है यस चलो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर लो फटाक से फटाक से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को अच्छा गया चलो गो बोला इन इंडिया इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड फॉर डोमेस्टिक यूसेज एट 220 वोल्ट इट इज सप्लाइड एट 110 वोल्ट इन यूएसए

अगर पावर कांस्टेंट है तो रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है अगर पावर कांस्टेंट है तो रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू वी कांस्टेंट है क्योंकि मजा तो आ गया होगा तो यहां पे देखो क्या लिखोगे यहां पे देखो इसका मतलब आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू वी वन वी टू वी वन स्क्वायर बाई वी टू स्क्वायर ये है मजेदार कहानी आया बात समझ में R1 by R2 is equal to V1 square by V2 square. तो R1 कितने का है इंडिया में? इंडिया में कितना है ये R? यूएसए में कितना है R2? इंडिया में वोल्टेज कितना है भैया? 220 वोल्ट. कहां पे है इंडिया में? तो ये क्या हो जाएगा इंडिया? 220. और ये क्या हो जाएगा? V2 कितना है? 110 वोल्ट इन यूएसए

कर लिया ना तुम 2000 का पीवाई क्यू सोल्व कर लिया ना तुम यस अगला क्वेश्चन एक और ए आर बाई टू टू का स्क्वायर नहीं करोगे क्या अरे टू का स्क्वायर फोर होगा ना गलत क्यों कर रहे हो अबे खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं तुम लोगों का भूत भगा देता मैं तुम सामने दिख जाते मुझे तो ये सब मिस्टेक नहीं बेटा ये सब मिस्टेक प्लीज मत कीजिए ठीक है चलिए क्या बात है गौरव अब अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने एक नया क्वेश्चन करो 2019 का ये करो तो 2019 का पहले ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो उसके बाद आगे करते हैं जल्दी से ये क्वेश्चन करो सबसे पहले ये पीवाईक्यू 2019 नीट पीवाईक्यू 2019 जल्दी से सॉल्व करो नीट पीवाईक्यू आई थिंक 2019 है जल्दी से सॉल्व करो तो एकदम क्विक सॉल्व करो क्विक जल्दी जल्दी से सॉल्व करो फोर डालो जल्दी से सॉल्व करो तेज हो गए हो भाई तुम लोग आंसर निकाल दिया चलो लोग बोला इतना एरर क्यों है ई एम एफ ई एंड जीरो इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत बढ़िया बोला द रेशियो ऑफ द पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब वेन ऑल आर ग्लोइंग ओ भाई साहब टुक 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 सब तो ये देखो ये 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 इन तीनों का पोटेंशियल सेम है भैया ये ये तो ये ये जब सारे ग्लो कर रहे होंगे ना तो ये सब चल रहा है मतलब ये तीन रेसिस्टेंस ये तीन रेसिस्टेंस ओके अच्छा अब इसका रेसिस्टेंस वगैरह कुछ पता नहीं है चलो मान लेते हैं अब इसने बोला है सिमिलर बल्ब देखो इसको ये देखो भाई ये देख लो देख लो देख लो भाई देख लो भाई देख लो देख लो देख लो भाई देख लो भाई ये सिमिलर बल्ब का क्या मतलब हुआ भैया कि सबका पावर रेटिंग वोल्टेज रेटिंग सेम यानी कि सबका रेसिस्टेंस सेम 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 ओ भाई मजा आ गया तो ये तीनों आर 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 ये हो गया हो हो गया। हो 3. तो हो 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 ये ये गया 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 कितना बेटा बोलो मजा आया क्या अब अगला लाइन पढ़ो क्या बोल रहा है सिक्सर बल्बेड सोन एंड जीरो इंटरनल रेसिस्टेंस रेशियो ऑफ द पावर कंजन बाय द बल्ब एन फर्स्ट ऑल आर ग्लोइंग सारे के सारे बल्ब चलना शुरू हो गया सारा resistance है इसका मतलब यस yes, सर तो क्या होगा बताओ जल्दी से तब इस केस में जो पावर कंजन है वो क्या होगा तो पावर कंजम्पन कितनी बार बताया मैंने क्या जब वी हो आर आर हो तो क्या बताओ वी स्क्वायर बाई आर ओ हो मजा आ गया सर सोचेगा ई ए स्क्वायर बाय आर आर का वैल्यू क्या टू आर बाई थ्री ये हो गया फर्स्ट केस का पावर कंजम्पन बोलो मजा आ गया केस वन खत्म दूसरा इन द सिचुएशन वेन टू फ्रॉम द सेक्शन ए सेक्शन ए इससे दो एंड वन फ्रॉम सेक्शन बी सेक्शन बी का एक तो अब केस 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 का का फोटो फोटो दूसरा बनाऊंगा मैं मैं लिखूंगा जान के case two. Case two का फोटो क्या होगा बोल क्या रहा है क्वेश्चन वाला वो देखो सेक्शन ए से कितना लो दो टू फ्रॉम सेक्शन ए तो लो यहां से ये देखो ये देखो टू फ्रॉम सेक्शन ए एंड वन फ्रॉम सेक्शन बी तो सेक्शन बी से एक लो

तो टू बाई तो आया था क्या नहीं इसका टू आर बाई थ्री आया था इसका थ्री आर बाई टू और बैटरी कितनी का है? उतना ही का है ई का इस बार पावर कंजम्पशन क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर।, आर, आर कितना है थ्री आर टू तो अब क्या निकालोगे अब निकालोगे पी वन बाई पी टू रेशियो इन फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस तो ये क्या हो जाएगा पी वन बाई पी टू तो पी वन कितना यहां पर देखो क्या है ये ये क्या हो जाएगा टू स्क्वायर बाय थ्री आर तो ये हो जाएगा थ्री आर तो ये क्या हो जाएगा वो देखो ये हो जाएगा ये आर से आर खत्म ई स्क्वायर से स्क्वायर e खत्म

चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो सॉल्व करो जल्दी से एक मिनट कितने लोग कर रहे हो सच्ची, सच्ची सच्ची बताना नीट का कसम दिला दिया हूं कितने लोग एकदम पूरा अटैम्प कर रहे हो पेन कॉपी में मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो कितने लोग ऐसा कर रहे हो जल्दी से वाइट ऐप करो एकदम नीट का कसम दे दिया यसार्ट ऑलिंग बहुत बढ़िया कोई बात नहीं है जल्दी बोलो मी टैप करो कितने लोग मेरे साथ पेन चलाते हो लिखते हो डायग्राम बनाते हो भले सॉल्व हो या ना हो उससे मतलब नहीं है अपने आप ये प्रोसेस है प्रोसेस को फॉलो करोगे अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा लेकिन इंपॉर्टेंट है क्या तुम प्रोसेस फॉलो करते हो कितने लोग करते हो देखो बहुत कम लोग बोल रहे हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई बहुत कम लोग बोल रहे हैं ना लाइको ऐसे मत किया करो पूरा का पूरा जल्दी सॉल्व करो इसको चलो जल्दी सॉल्व करो पेन कॉपी से एक मिनट का टाइम तो जल्दी फोर डालो जल्दी जल्दी फोड़ो जल्दी फोड़ो बेटा सब लोग किया करो अटैम्प करो क्वेश्चन अटैम्प करने से हम सीखते हैं हम सीखते ही क्वेश्चन अटैम्प करने से जल्दी से जल्दी से किया करो जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी जल्दी बताओ थैंक यू थैंक यू जल्दी बताओ तो क्या होगा वो देखो फटाफट से देखो क्या होगा बोला अ टू टू हंड्रेड ट्वेंटी वोल्ट एंड हंड्रेड वोल्ट बल्ब आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज तो दो बल्ब एक बल्ब और दूसरा बल्ब दो बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज थैंक यू तो क्या होगा वो हो देखो दो बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज ये 220 वोल्ट 100 वोल्ट ये भी 100 वोल्ट का है और ये भी 100 वोल्ट का है ये भी 220 वोल्ट पावर वोल्टेज दे रखा है और ये भी सीरीज फर्स्ट एंड okay, इसके पैरल दोनों को पार्लेल में।, पार्लेल में, ठीक है? बोला टाइम दो सौ बीस वोल्ट एसी सप्लाई दिया गया है दो सौ बीस वोल्ट अच्छा ए सी सप्लाई दिया ना इसके लिए टेंशन मत ले लेना तुम लोग दो सौ बीस वोल्ट है मस्त रहो खुश रहो ठीक है द पावर ड्रोन बाय द कॉम्बिनेशन इन ईच केस रेस्पेक्टिवली विल बी यहां पे 220 अच्छा ऐसे 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 बोल देता हूं इसको ऐसे, ऐसे किया जाता है 220 अब देखो कितना मजा आएगा 220 वोल्ट का सप्लाई मारा 220 वोल्ट का सप्लाई मारा अब क्या पूछा है बोल रहा है क्या द पावर कंजम्पशन इन इच केस देखो ध्यान से इसका कितना सप्लाई है 220 100 वाट का है और रेटिंग कितना है 220 का और इसको लगाया भी कितने से 220 से उतना ही पावर कंज्यूम होगा तो ये हंड्रेड वॉट ही कवर करेगा नहीं है यही आंसर होगा खत्म करो सेकंड केस में 200 सौ वॉट कहीं आया ही नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा ए क्या बोलते हो लेकिन सोल्व भी कर लो चलो सोल्व भी करा देता हूं मैं ये तो कंफर्म है इसको तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है जितना रेटिंग है

तो V कितना है 220 सौ बीस इंटू दो सौ बीस देखते चलो ये वाला से बीस नहीं लिया गया है ये लिया गया। रेटिंग, वाला से. Resistance रेटिंग से पावर रेटिंग वोल्टेज रेटिंग बाई पावर रेटिंग हंड्रेड खो पांच को ये को पाँच इंटू बाईस तो जगह चौवालीस इंटू चौवालीस तो कितना हो गया चार सौ चौरासी तो ये लिख लो चौवाल चार सौ चौरासी जगह फोर एटी फोर ये कितना हो जाएगा फोर एटी फोर कितने जा रहे हो ना ये 484 हो जाएगा फोर एटी फोर क्या हो जाएगा 484 ओम अब देखो ध्यान से यह हो जाएगा 484 ओम क्या हो जाएगा 484 अब देखो यहां पे देखो ध्यान से यहां पे देखो ध्यान से पे देखो ध्यान से देखो ध्यान से 484 ओम यहां से सप्लाई हुआ वहां से सप्लाई हुआ बहुत मजा आया अच्छा लगा बोलो अब देखो इसका रेसिस्टेंस और इसका रेसिस्टेंस का सम करना पड़ेगा सही कर रहा हूं ना मैं हां और इसका वोल्टेज है तो इसमें करंट कितना जाएगा वो निकाल लो या आर आर इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट निकालो कितना जाएगा R1, तो ये कितना जाएगा टू आर तो ये कितना टू इंटू चार सौ चौरासी और अब देखो पावर कंजम्पशन क्या हो गया ये हो जाएगा क्या वी स्क्वायर बाय आर अरे पावर कंजम्पशन क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर क्योंकि वी ये रहा अब लिखोगे 220 सौ बीस इंटू दो सो बीस डिवाइडेड बाई आर कितना हो जाएगा वो देख लो टू इंटू फोर हंड्रेड ये बाइस से ये दस में गया ये बाईस से ये दस में गया तो बाईस और बाइस दो बार मल्टीप्लाई करके ही तो ये मिला था तो ये खत्म हो गया और टू फाइव टेन तो ये कितना हो गया दस इंटू पांच पचास ये समझ में कितनों को आया कि ये जो होगा पचास वॉट ये पावर कंजम्पशन है हाई इसका रेटिंग हंड्रेड वॉट इसका रेटिंग हंड्रेड वॉट लेकिन ये दोनों मिलके कितना कंज्यूम कर पा रहा है सिर्फ पचास यहां बहुत ही धीरे धीरे लाइट जा रही होगी और यहां तगड़ा लाइट हो रहा होगा यहां पे लाइट धीरे धीरे डिम लाइट दोनों पल चल रहा होगा लेकिन दोनों धीरे धीरे एकदम मरमर के चल रहा होगा और ये ओ भाई साहब तगड़ा लाइट चल रहा होगा कितनों को यह बात दिमाग में सेट हो गया जल्दी से जल्दी से ठीक है गुलाम इधर देखो कोई बात नहीं है बेटा कर देंगे गुलाम का तबियत खराब है सर थोड़ा जल्दी एंड कर दीजिएगा क्लास प्लीज फीवर है ओके कोई बात नहीं है गुलाम कर देंगे पांच मिनट पहले तुम्हारे लिए ठीक है चलो अब चले जाओ कोई बात नहीं है बाद में देख लेना बाद में देख लेना तबियत खराब है तो ठीक है अदरवाइज मैं टाइम पे कर दूंगा पक्का ठीक है टाइम पे चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने एक और क्वेश्चन मेरे प्यारे बिटवा अब तुम लोग को होमवर्क दे दूं कर लोगे एक बढ़िया क्वेश्चन करा दूं अब कर लोगे होमवर्क यार चार पांच क्वेश्चन होमवर्क दू एक अच्छा क्वेश्चन कर लेना ठीके? पक्का। ठीके? एक और क्वेश्चन होमवर्क देता हूं एक और क्वेश्चन और यह दोनों क्वेश्चन तुम लोग करना ठीक है यह दो तीन क्वेश्चन होमवर्क दिया हूं चलो ये कर लो ये कर लो जल्दी से चलो जल्दी से यह करो जल्दी से करो जल्दी करो जल्दी करो 25 220 220 वोल्ट 100 220 वोल्ट 100 बल्ब पच्चीस कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द 440 वोल्ट देन कौन सा फ्यूज करेगा कौन सा नहीं करेगा फ्यूज करेगा नहीं करेगा नहीं ये कैसे पता चलेगा उसके अक्रॉस का पोटेंशियल जो एक्चुअल पोटेंशियल है उसका रेटिंग का उससे बड़ा हो जाएगा तब फ्यूज करेगा इसको सॉल्व कर लो चलो जल्दी से एक क्वेश्चन होमवर्क दिया हूं जल्दी करो स्पीड पकड़ो स्पीड पकड़ो स्पीड पकड़ो sí. Sí. ए, और दो तरीके का आंसर आ रहा है तो मैं सॉल्व करता हूं चलो देखते हैं बोला ट्वेंटी सो वॉट दो सौ बीस वोल्ट तो इसका तो रेसिस्टेंस अभी निकाला ही था सौ वॉट दो सौ बीस का रेसिस्टेंस तो निकाला ही था कितना कितना निकला भाई चार सौ चौरासी अभी तो निकाला था यूज कर लो ना क्यों कैलकुलेशन करोगे दोबारा 100 so वाट 220 वोल्ट का रेसिस्टेंस होता है 484 लिख लेता हूं इसका रेसिस्टेंस है 484 ओम इसका रेसिस्टेंस निकाल लो r1 r1 क्या हो जाएगा v स्क्वायर रेटिंग बाय p रेटिंग v स्क्वायर रेटिंग v रेटिंग कितना है 220 तो क्या लिखोगे 220, 220 220 into 220 220 डिवाइडेड बाय ये क्या है 25 तो 25 से ये कितने में जाएगा यह इंटू बाईस चार सौ चौरासी और इंटू ये वाला एक सौ देखो मजा दे दिया ना तुम्हें मैंने देखो कैलकुलेशन दे पच्चीस और चार ये चार सौ चौरासी इंटू चार हो गया ओ भाई साहब मजा ही आ गया चार सौ चौरासी इंटू चार बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस है इसका ठीक है अब इस बल्ब को किससे कनेक्ट किया बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज चार सो चालीस वोल्ट चार सौ चालीस वोल्ट लाइन बोलता है तो ये ए सी ही माना जाता है चलो अब देखो ध्यान से भैया इसका रेसिस्टेंस है चार इंटू चार सौ चौरासी और इसका चार सौ चौरासी तो टोटल आर इक्विवेलेंट कितना हो गया पांच इंटू चार सौ चौरासी ऐसे लिख लेता हूं अच्छा मजा दे दिया आपने और वोल्टेज कितना है चार सौ चालीस तो पावर कंजम्पशन अच्छा अब अब करंट निकालेंगे इस केस में इस केस में दिक्कत है भाई इस केस में दिक्कत है इस बल्ब के अक्रॉस का वोल्टेज निकालना पड़ेगा और इस बल्ब के अक्रॉस का वोल्टेज निकालना पड़ेगा अगर ये वी वन और ये वी टू दोनों में से को, कोई भी दो सौ बीस को क्रॉस किया क्योंकि दोनों जगह दो सौ बीस है तो बल्ब फ्यूज कर जाएगा यह बल्ब फ्यूज कर जाएगा अगर कोई भी दो सौ बीस को क्रॉस किया तो करंट निकालना पड़ेगा इस बार फिर आई स्क्वायर आर करना पड़ेगा आई स्क्वायर आर तब एक एक का पता चलेगा अदरवाइज नहीं पता चलेगा तो ये को, ये क्वेश्चन अभी तक कितनों को समझ में आया वाई टाइप करो पहले फिर दोबारा बोल, बोलूंगा अभी क्या बोल रहा हूं मैं क्वेश्चन में जब भी बोले कि फ्यूज करेगा नहीं करेगा इसका मतलब उसके का वोल्टेज रेटिंग उसका वोल्टेज रेटिंग और उसके का वोल्टेज से ज्यादा हो जाए तब ये फ्यूज करता है तो ये भी निकालना पड़ेगा ये भी ये कैसे निकाल पाएंगे अपन तो करंट तो सेम होता है तो करंट निकाल के आई स्क्वायर आर आई स्क्वायर आर से निकालेंगे आया बात समझ में अच्छा बहुत सुंदर तो आई स्क्वायर आर निकालो तो आई क्या हो जाएगा वी इक्विवेलेंट V कितना है 440 और ये कितना है 5 इंटू चार तो ये देखो मजा आ गया तुम लोगों को शायद ये 10 से 5 ये इंटू टेन कर देता हूं चलो तो 5 टू जैन हो गया और ये 44 कितना हो गया 22 इंटू दो तो 22 से 22 तो और ये 22 में चला गया तो दो से 11 में चला गया तो करंट हो गया दो बाई ग्यारह देख रहे हो करंट हो गया दो बाई ग्यारह मजा आया होगा शायद तुम लोगों को अब यहाँ पे सॉल्व करूँ खिचड़ी तो नहीं पकेगा चलो अगला पेज में करता हूँ जल्दी से कॉपी करके इसी को अगला पेज में करता हूँ देखो ध्यान से हमारे को डेटा कौन सा चाहिए था ये डेटा चाहिए दो बाई ग्यारह अब दो बाई ग्यारह का करंट है भैया और रेसिस्टेंस ये है तो वी क्या होगा वी बराबर आई यार आई कितना है दो बाई ग्यारह और आर कितना है चार इंटू चार सौ चौरासी भाई कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है यार तो ये ग्यारह से खत्म हो गया क्योंकि ये बाईस इंटू बाईस ही है अरे यार क्या दिमाग लगा रहा है आदित्य आनंद ये दो तो 4 to the, to the 16, 16 कितना होता सौ बीस से बढ़ गया दोनों बल्ब फ्यूज कर जाएगा मेरे ख्याल से 220 से बढ़ गया देख रहे हो तो पहला तो फ्यूज कर गया भैया ये दो सौ बीस से बड़ा हो गया ना दस में दो सौ बीस होता है दो सौ बीस से बड़ा हो गया ये बल्ब फ्यूज कर जाएगा इसका चेक करो वी टू यह हो जाएगा वी बराबर आई आर वी बराबर आई आर आई कितना है इसमें

एट्टी एट ही है और इसका रेटिंग है दो सौ बीस ये बचा रहेगा फ्यूज ये करेगा आप तुम्हें समझ में आया क्योंकि घर में लगाते हो एक ही बल्ब फ्यूज करता है दूसरा क्यों नहीं करता है आया समझ में भाई कि एक ही किया दूसरा क्यों नहीं किया फ्यूज कितनों को समझ में आया एक ही करता है दूसरा फ्यूज बहुत सारा बल्ब लगा रहता है लेकिन घर में एक ही फ्यूज क्यों करता है ये कहानी हम्म चलो अब ध्यान देना अब ध्यान देना ठीक है एक और कॉन्सेप्ट कराता हूं दो क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन होमवर्क देता हूं एक एक क्वेश्चन और होमवर्क देता मैं नहीं कराऊंगा ध्यान रखना मैं कुछ और कराऊंगा कल ये क्वेश्चन में ध्यान देना ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट है देखना ऊपर लिख देता हूं कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट देखना ये तुम इलेवेंथ क्लास में पढ़े थे तुम लोग ये कॉन्सेप्ट एरर का याद है तुम लोगों को एरर का कॉन्सेप्ट जो ये होता था कि जैसे मान लो कि अगर देखना तो जरा सा अगर p है x का पावर a y का पावर b z का पावर c तो इसमें जो परसेंटेज एरर होता था डेल्टा p p 100 इसको बोलते थे परसेंटेज एरर इन p ये, ये पढ़े थे नहीं भी पढ़े थे तो भी नया सिखा देता हूं तो ये पावर पीछे चला जाता है ये होता है डेल्टा x x 100 अच्छा ये पावर पीछे चला जाता है, ये होता वाई बाई वाई अगर याद है तो अच्छा नहीं तो सीख लिया तुमने कि नीचे वाला हो तो भी प्लस ही लिखते हैं है ना और पावर पीछे करके इस तरीके से लिखने का तरीका है इस तरीके से लिखने का तरीका है ये ये देख लो ध्यान से देखो बेटा

हरपन फोड़ो बच्चे हो यार हरपन तुम तो ठीक है परसेंटेज रेट क्या होगा लेस देन फाइव परसेंट अब देखना ये क्वेश्चन को पढ़ो देखते हैं कितने लोग फोड़ रहे हैं जल्दी से करो तो जल्दी से करो एक और करवाऊंगा जल्दी से करो तो जल्दी से करो देखो मजा आ जाएगा तुरंत ऑल डन यस एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा जल्दी से जल्दी आ जाओ एक्शन में एक्शन में आ जाओ जल्दी से जल्दी बताओ हो गया क्या है पढ़ो इफ वोल्टेज अक्रॉस अ बल्ब रेटेड टू हंड्रेड ट्वेंटी वोल्ट हंड्रेड वॉल्ड ड्रॉप बाई टू पॉइंट फाइव परसेंट इफ इट्स रेटेड वैल्यू ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू अच्छा किसको ड्रॉप किया वोल्टेज को क्या किया ड्रॉप किया वोल्टेज को ड्रॉप किया जा रहा है देख हो ना वोल्टेज जितना रेटिंग है उससे ड्रॉप किया वोटाइट परसेंटेज ऑफ रेटेड वैल्यू फॉर विच द पावर वुड बी डिक्रीजेस तो पावर होता क्या है वो देखो पावर होता क्या है वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होता है मैं मान के चलता हूं कि रेसिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है रेसिस्टेंस कांस्टेंट है ऑल दो ये नहीं रहता है लेकिन अगर कुछ भी नहीं बोले तो, <laughs> तो रेसिस्टेंस को कांस्टेंट मानते हैं अगर कुछ ना बोले तो रेसिस्टेंस के कांस्टेंट मानते हैं अब देखना ध्यान से बेटा क्या बोल रहा है कि ये जो पावर है इसमें परसेंटेज एरर कितना होगा मतलब डेल्टा पी बाय पी हंड्रेड कितना होगा यदि ये जो वोल्टेज है तो ये टू पीछे की जगह डेल्टा वी बाय वी हंड्रेड देखो क्या मजा आया ये चीज ये चीज को सीखो ये चीज को सीखो ये चीज जो मैं अभी सिखा रहा हूं और क्वेश्चन बोला है कि ये 2.5% से चेंज हुआ है क्या वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब ड्रॉप बाय 2.5 परसेंट यानी कि ये परसेंटेज चेंज जो है वो वोल्टेज में 2 परसेंट है इसका क्यों नहीं किया ये कांस्टेंट है अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो तो उसमें चेंज ही नहीं होगा इसका प्लस करके कुछ भी नहीं लिख पाओगे तुम जीरो हो जाएगा वो तो आंसर 2 2 ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं फाइव परसेंट ये चीज समझ आया बेटा ये चीज समझ आया बेटा फाइव परसेंट यह चीज समझ आया फाइव परसेंट वाला बोलिए बोलो बेटा कि परसेंटेज किस तरीके से चेंज हो रहा है गेटिंग एवरी वन यस अब एक और लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल अगले दिन पढ़ाऊंगा ठीक है चलो इधर आ जाओ और वोल्टमीटर तो दो चीज बचा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और आरसी सर्किट और वोल्टमीटर तो दो चीज एक दो क्लास तो और लगनी है भाई ठीक है दो क्लास एकदम बढ़िया तरीके से चलो तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आरसी सर्किट और वोल्टमीटर चलो आ जाओ और उसके बाद दो छोटा मोटा चीज है वो पढ़ा दूंगा ठीक है क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है आ सकता है नीट में पढ़ो वो कैटल वगैरह यूज करते हो ना पानी गर्म करने के लिए उसमें क्वाइल लगा होता है एक क्वाइल और दूसरा क्वाइल लाल कलर का क्वॉल लगाता हूं मैं जान के ताकि तुम्हें पता चले कि क्वाइल लाल हो चुका है दो क्वाल ऐसे कॉम्बिनेशन को दुनिया बोलती है पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन और ऐसे कॉम्बिनेशन को दुनिया बोलती है सीरीज कॉम्बिनेशन देखो पढ़ो क्वेश्चन को बोला एन इलेक्ट्रिक कैटल हैज क्वाइल इज कनेक्टेड टू द ए सी सोर्स द वॉटर इन द कैटल बॉइल्स इन टेन मिनट ये क्वाइल वन है और ये क्वाइल टू है अब इंडिविजुअल क्वाइल को लगाया गया है एक बार में तो क्या हो गया ये दस मिनट टी वन का वैल्यू कितना है दस मिनट दस मिनट में ये पानी को बॉइल कर देता है फिर एक और दूसरा क्वाल लिया सी टू इसको इंडिविजुअल लगाया तो कितने देर में हो गया चालीस मिनट में हुआ ये देख लो वाटर बॉइल्स इन फोर्टी मिनट पानी कितने देर में हुआ? टी टू कितने में फोर्टी में। तो बोला इफ बोथ बोध आर कनेक्टेड इन पैरल मतलब ऐसा ऐसा तो टाइम जो होता है वो पैरल वाला ही लगता है तो अब जो टाइम लगेगा वो लगेगा टी वन टी T2 क्या यही चीज सिखाया है मैंने तुम्हें पैरल में जैसा रेसिस्टेंस वाला होता है वैसा ही इसको प्रूफ भी कर सकते हैं लेकिन तुम लोग हरी में हो इसीलिए नहीं बता रहा हूं मैं और ये जो टाइम होता है वो टी वन प्लस टी टू ये सब नीट का क्वेश्चन ही आएगा सीधा उठ के तो प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है हीट से निकालते हैं इसका प्रूफ कहां से होता है हीट से कि हीट तो बराबर ही चाहिए ना बस उस कॉन्सेप्ट को यूज करके ये प्रूफ कर देते हैं अगर सीरीज में लगाएगा कॉन्सेप्ट सिखा दिया मैंने अगर सीरीज में लगाएगा तो T1 वन प्लस टी तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा आप लोग सीधा और अगर ऐसे पैरेलल में लगाएगा तो ये तो आंसर क्या हो जाएगा 10 इंटू चालीस बाय पचास तो आंसर क्या हो जाएगा खुपाच खुपाच टका टका टक, तो आठ मिनट में ये तैयार हो जाएगा पानी तो दोनों कोयल को अगर जला देगा तो आठ मिनट में और यहाँ सीरीज में लगाने से और बल्ब डिम हो गया था ना तो पावर कंजम्पशन कम हो जाता है इसीलिए देखो पचास मिनट लगेगा सीरीज में लगाने से पचास मिनट लग जाएगा जबकि कि पैरल में लगाने से आठ मिनट में हो जाएगा तो देख रहे हो मजेदार चीज तो याद रखोगे पक्का ये वाला कॉन्सेप्ट तो बच्चों आज बल्ब के ऊपर काफी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दिया मैंने ढेर सारे क्वेश्चन करा दिए तुम्हें दो क्वेश्चन होमवर्क दिया हूँ वो भी तैयार कर लेना पूरा अच्छे से करना और अभी क्लास के बाद बताना कि कितना धमाकेदार लेक्चर में तुम लोग मजे ले रहे हो और मुझे पूरा विश्वास होता है बच्चों पे कि जो बच्चा ध्यान पूर्वक देखता है ना वो रियल में मजा देता है क्योंकि वो एकदम मस्त वाला मजा आ रहा है एमएमए एम टाइप करो अगर नहीं आ रहा है तो वो भी बताओ बताओ मुझे इतनी देर से बैठ के है ना Uh, अरे आपकी बहुत याद आएगी क्यों दो दिन में नहीं आऊंगा इसलिए मिलते हैं ना यार मिलते हैं टेलीग्राम के ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव में बात करते हैं अपने प्यारे से प्रोटोनियन से ठीक है गैलवनोमीटर वोल्टमीटर वाला भी बताएंगे ठीक है मस्त मजा आ रहा है अरे वाह लकुलस बहुत मोहब्बत साबिर शिवम अरे फिफ्टी सिक्स आनंद अरे ये क्या है अरे वाह ग्रेट यार थैंक यू लव यू लोग तो अभी अप करके स्क्रीन आएगा उसमें जरूर बताइएगा और सारा रिवीजन कर लीजिएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा का पूरा बेटा और पूरा ताकत लगा तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन बच्चे हो जो सेलेक्ट हो सकते हो तो सिलेक्शन हर हालत में लेना है बोर्ड में हर हालत में फोड़ना है एकदम खुश रहो चेहरे पे पॉजिटिविटी के साथ फाइट करो कभी कुछ चीज नहीं होता है कभी कुछ चीज होता है तो टेंशन मत लिया करो लगातार फाइट करते रहा करो बहुत बढ़िया होगा ठीक है और पुराना जितने भी डीपीपीज तक तो 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 स्क्रीन आएगा उसमें जरूर बताइएगा आप लोग कि सर हम भयानक तरीके से फोड़ रहे हैं और मजा आ रहा है एकदम पांच क्या दस क्या एकदम पचास वाली रेटिंग पे काम कर रहे हैं जरूर कमेंट करके बताना एकदम मस्ती में तब तक के लिए बाबा मस्त रहिए खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए ऐसे ही जोश और जुनून के साथ लगे रहिए ईश्वर आपका जरूर सुनेंगे और आप लोग जरूर सेलेक्ट ऐसी मेरी इच्छा भी है और मेरा एक विश्वास भी है कि अगर जान लगा के तुमने मेहनत किया तो वो चीज जरूर तुम्हें मिलता है बस अपने मेहनत में कमी मत करना बेटा सैटरडे संडे को भी थोड़ा और मेहनत करना ठीक है यस 56 सिक्स आनंद नरे बहुत पहली बार आपको देख रहे हैं नेक्स्ट क्लास में जरूर बताइएगा थैंक यू लव यू बाय